ऑन द वे टू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जा रहे हैं। हाँ भाई, अहमदाबाद नहीं है, दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली की सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन लगने वाली है, वहाँ का इनविटेशन आया है और वहाँ पे मैच देखने में अलग ही मज़ा आएगा। और वो एक्सपीरियंस यार मैं आपको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि अगली बार कोई मैच हो तो आप भी जा सकते हो, और जिसने नहीं देखा ये ब्लॉग देख के रिग्रेट जो फील कर रहा है वो नहीं करेगा। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे स्क्रीनिंग पे इनवाइट है भाई? मतलब अहमदाबाद यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे जाम लगा हुआ है, और यहाँ दिल्ली में भी जाम लगा हुआ है। घर बैठ जाओ, मैच देख लो, हमारी तरह निकल रहे हो तुम भी, बहुत बुरा हाल है। तो 2 बजने वाले हैं, अपडेट मैं आपको दे दूँ जो मुझे अपडेट मिली है कि भाई इंडिया टॉस हार चुकी है लेकिन कर रही है पहले बैटिंग। वैसे मैं चाह रहा था कि इंडिया पहले बैटिंग ना करे, मैं मतलब इस वजह से क्योंकि हम लेट हैं ताकि पूरी बैटिंग तो देख पाए, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि 2-3 ओवर हम लोग मिस कर देंगे। अभी टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। एक ओवर हो भी गया है, इंडिया के हो गए 3 रन। मतलब मुझे अंदर से हो रहा है कि मैं लेट हो चुका हूँ, रोहित शर्मा भी छक्के मारेगा और शुभमन गिल तो चौके चौके मारेगा। चलते हैं। 4 ओवरों में हो गए 30 रन। वैसे आपने देखा होगा भी ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मिचेल मार्श का, मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका। तो आज कुछ नहीं होने वाला, आज जीतेगी तो इंडिया ही। क्या कहते हो? इंडिया नहीं जीती तो ये व्लॉग नहीं डलेगा। सो फाइनली वी रीच्ड, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। और रुको यार, फ़ोन तो भाई अभी पता चला कि पासिस लेने, तो पासिस का अरेंजमेंट हो रहा है, फ़ोन पे अरेंज हो रहा है, फिर उसके बाद चलते हैं मैच देखते हैं। तो भाई यहीं से पता चल रहा है कितनी भीड़ होने वाली है। सामने देखो पासिस के जुगाड़ में लगे हुए हैं सारे, लेकिन अपना अरेंजमेंट है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो भाई कहाँ से रोशनी है, महक आई है पहली बार मैच देखने, एक्साइटेड कितनी? आवाज़ ही नहीं आ रही, इतनी एक्साइटेड है। तो यहाँ पे लगी है भीड़ पासिस के लिए, लेकिन हम ये भाई हमें देखो, व्हाट द पासिस, हियर आर द पासिस, ये रही हमारी वाली। तो भाई पूरी वाइब है, तगड़ी वाली वाइब है, और हमारे आ गए हैं पासिस हमारे हाथों में। दिखाऊं क्या लुक है, बहुत मजा आने वाला है। हम भी सुंदर सा बन के आए हैं, देखो। तो विराट कोहली, 1 विकेट हो चुका है यार, ये देखो शोर देखो, लोग देखो कितने देखने आए हैं। कोहली ने लगातार 1 ओवर में 3 बाउंड्रीज मार चुका है, मतलब धड़ाधड़ होने वाली है भाई, और मजा आने वाला है। काश हम अहमदाबाद जा पाते। बहुत बढ़िया खेल रही है, इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। ओ जब बीबी को ना कुछ मैच के बारे में नहीं पता होता, देखो ऐसा होता है, छक्का लगा इसे पता ही नहीं। मैंने बहुत देर तक क्लैपिंग भी करी है। अच्छा करिए करिए, आया नहीं कैमरे में, नहीं आया ना। शर्मा पेल रहा है भाई, बहुत ही तगड़ा करके पेल रहा है। ओह शिट शिट शिट, आउट हो गया। क्या कैच पकड़ी है कोहली, देखो कोहली का क्या हालत हो गई। रोहित शर्मा आउट हो गया, रोहित शर्मा बहुत ही गजब कैच पकड़ी भाई, और पिछले मैच में भी रोहित शर्मा 47 पे ही आउट हुआ था। यस अय्यर आ चुके हैं ऑन द ग्राउंड भाई, बहुत अमेजिंग खेल रहा है आज का लड़का, और ये बहुत अच्छा ही करने वाला है। देखो विराट भाई बैठे हमारे, मैक्सवेल को इसलिए बुलाया गया था कि भाई लालच दें और छक्के मारे और उसके बाद आउट हो जाए, उसी में फंस गए। श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया है भाई, आते शिट, आज दिन बुरा है क्या? सब शांत हो गए, सारे शांत, भैया तो उठ के जा रहे हैं। सुनील शेट्टी जी से मेरी दरख्वास्त है कि अपने दामाद को फ़ोन करके बोले कि भाई एंड तक रहना है और जिता के आना है, बहुत दिक्कत हो रही है। कहते पिंपल क्यों हो रहे हैं भाई? बिल्कुल सबकी सबकी एनर्जी बिल्कुल लो हो रखी है, क्योंकि इंडिया का इस समय स्थिति थोड़ी ख़राब चल रही है। हमें एक बंदे ने और ज्वाइन कर लिया है, ये बाल बन चुके हैं, थोड़ी देर में भूत वाला रूप वापस आ जाएगा। बने थे सचिन आउट हो गया था, इंडिया थी तब, धोनी और उसने खेला था ना, हार गए थे तब भी नहीं, आई थिंक 2011 वाली याद है घूम रहे हैं, और डाइट के साथ मैच का अलग ही मजा है, देख लो। सुपर व्यू तो भाई ले रहा है हमारा, ये सबसे बढ़िया व्यू वही ले रहा है।
इसके चलते आज दादा के एल राहुल की 50 हो गई लेकिन अभी नहीं हुई है, अभी एक रन है, एक रन बचा है अभी। हाँ जी बोलाओ। विराट कोहली 50 मारी थी लेकिन के एल राहुल की बची है अभी एक रन। स्क्रीन के पीछे बंदर आ रहा है, इधर इधर बंदर है इसके पीछे, वो देखो दिख रहा है, ये यहाँ पे राहुल की 50 हो गई है। अब तो थ्रो बाई पे भी इतनी खुशी हो रही है ना, थ्रो बाई पे रन आने की भी इसका जवाब नहीं। खेल रहा हूँ यहाँ पे, मैच भी देख रहा हूँ यहाँ पे, मैच खेल भी रहा हूँ, डबल साइड से सपोर्ट मिल रहा है। अब तो ऐसा फील हो रहा है कि भैया 250 भी नहीं बनने के, कुछ लोग तो कह रहे हैं 50 ओवर भी खेलने वही बहुत है। सामने भाई बैठा ना, इसने बड़ा परेशान किया पूरा मैच ही, देखा देखो इसकी गुद्दी कैसे आ रही है, देखो यहाँ बैठे। अब मैंने अपनी सीट चेंज करी है तो मुझे ये व्यू देखने को मिल रहा है। कितने बनेंगे बताओ? 238 के आसपास। हाँ जी हैं 35 235 235, तो 35 बनवा रही है मेरे हिसाब से 240-245 तक ज़्यादा भी बन सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 250 बना दें 250। ये पीछे ही लगा रखा है बंदे ने, सिंगल में भी ऐसा लाउड हो रहा है। लास्ट बॉल देखते क्या होता है। इंडिया ने बनाया 240, सुन रहे हो, जीतेगा इंडिया, यही बोला ना, 240 में बनाया इंडिया ने और चाहिए 240 में रन, हम जीतेंगे और इसी खुशी में हम लोग डोसा खाने आए हैं, मतलब हाँ। तो भाई पहली बॉल डालने का टाइम आ गया और 100% हम जीतने वाले हैं, मैं ये इसे दे रहा हूँ, मतलब कहीं नहीं लिखूंगा पर हम जीतेंगे बिल्कुल। हाँ तेरी, एक ही ओवर में कितने आ गए, 15 रन आ गए, शिट यार। ओ भाई शोर देख रहे ये पहली पता चल जाता है। जय हो, जय हो। यहाँ पे ना पहले पता चल रहा है क्योंकि कोई स्कोर देख रहा है लाइव, तो हमें पता चल जाता है, फिर मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ एक्सप्रेशंस के लिए, यहाँ लेट आ रहा है। बॉलिंग इतनी घटिया फील्डिंग हो रही है ना, ब्लॉक करने का भी मन नहीं कर रहा, आवाज बैठ गई है, गालियां दे दे के खाली हो गया भाई, सब घर जा चुके हैं देखो, मतलब यहाँ के भी ग्राउंड खाली हो गए, वहाँ तो खाली हो ही गया होगा, अब मन भी नहीं कर रहा ब्लॉक करने का यार, हम तो जा रहे हैं बस 10 रन चाहिए, अब क्या बचा है मैच में। भाई फिर से आज इंडिया ने गुड ओवर कर दिया,
हार गए भाई। तो मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतना बुरा सा लग रहा है। इतना बढ़िया खेल रहे थे पूरे वर्ल्ड कप सीरीज, इतने अच्छा खेले और आज इतने गुड़गोबर करा ना इन्होंने, इतनी मिसफील्डिंग, इतना सब कुछ। चलो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो।